अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत 15 जुलाई को चंद्रयान मिशन 2 का आगाज करके इतिहास बनाने जा रहा है। ये पहला मौका है जब चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में किसी देश की तरफ से कोई चंद्रयान उतारा जा रहा है। इस चंद्रयान की मुख्य खासियत ये है कि ये मोशन प्लानिंग है। मोशन प्लानिंग बताता है कि ये चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर कैसे, कब और कहां जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन के तहत ये चंद्रयान चांद पर उतरते ही मोशन प्लानिंग का काम शुरू कर देगा। आपको बता दें कि इस चंद्रयान में कानपुर IIT की तकनीक लगी हुई है। दरअसल कानपुर IIT के वैज्ञानिकों ने इस चंद्रयान का एल्गोरिदम तैयार किया है, जिसे फॉलो करके इसरो ने ये चंद्रयान बनाया है। चंद्रयान में जो लूनर रोवर यानी मानव रहित विमान लगा हुआ है, उसको कानपुर IIT के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया लूनर रोवर कम एनर्जी खर्च होने वाला एक सिस्टम है। ये चंद्रयान चंद्रमा में पहुंचते ही वहां की सतह से कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इस लूनर रोवर को कानपुर IIT के मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर आशीष दत्ता और के वेंकटेश्वर ने तैयार किया है। प्रोफेसर आशीष दत्ता ने बताया, ये चंद्रयान चंद्रमा से 3D इमेज इसरो को भेजेगा। लूनर रोवर को IIT के वैज्ञानिकों द्वारा 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। इसका ये चंद्रयान 2 का जो मिशन है इसरो का, इसमें काफी सब सिस्टम है। इसमें से 2 सबसिस्टम जैसे कि मैप जनरेशन स्ट्रक्चर लाइट यूज़ करके, और दूसरा है पाथ प्लानिंग। ये 2 सबसिस्टम्स के लिए VSSC ट्रिवेंड्रम इसरो का MOU हुआ था IIT कानपुर के साथ, और ये बेसिकली था सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम बनाने के लिए फॉर मैप जनरेशन और पाथ प्लानिंग। और इसके बाद वो एल्गोरिथम टेस्टिंग के लिए ये प्रोटोटाइप रोवर बनाया गया था, जो स्पेसिफिकेशंस इसरो से दिया था, और जो जा रहा है और ये वाला का ये प्रोटोटाइप है, तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर सेम है। और इसको हम लोग रॉकर बॉगी मैकेनिज्म बोलते हैं, रॉकर बॉगी टाइप रोवर बोलते हैं। और इसमें बेसिकली जो आप देखेंगे कि स्पेशल 6 पहिया लगा हुआ है, और इसका खासियत है कि ये चढ़ सकता आराम से उस तरफ में। आप देख सकेंगे कि व्हील का जब चढ़ता है पत्थर या लो लाइंग एरिया में, ये आराम से चढ़ सकता है। तो इसका ये जो मैकेनिज्म है, इसको रॉकर बॉगी बोलते हैं। और स्पेस में जो चलते हैं नॉर्मली ये रॉकर बॉगी यूज़ करते हैं, और ये चलते हैं DC मोटर से, और एक एक व्हील्स में आपको 2 मोटर लगा हुआ है। जैसा पहले मोटर देखेंगे तो ये अंदर में एक DC मोटर है इधर, जो ड्राइव के लिए है, और ये है स्टीयरिंग मोटर, व्हील का स्टीयरिंग के लिए ये DC मोटर है। तो एक एक पहिया में 2-2 मोटर होता है, और प्लस एक रोबोटिक आर्म है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और ये व्हीकल एक जगह टर्न कर सकते हैं ये टर्निंग करके, और जो रोवर जा रहा है उसमें सोलर पावर भी यूज़ किया जा रहा है, तो बैटरी प्लस सोलर पावर पर जा रहा है। और इसमें खासियत ये है कि इस बार लैंडिंग जो हो रहा है वो बेसिकली साउथ साइड में हो रहा है, और साउथ साइड लैंडिंग में अभी तक कोई देश से गया नहीं है। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा वो पूरा दुनिया के लिए नया रिजल्ट रहेगा, क्योंकि उधर कोई गया नहीं है अभी तक। कानपुर IIT जस्ट एल्गोरिथम डेवलपमेंट किया था, तो जो एक्चुअल जा रहा है वो एकदम सेम है इसके साथ, लेकिन ये नहीं जा रहा है। जो जा रहा है वो इसरो बनाया है, और इसका वो 2 पार्ट के एल्गोरिथम कानपुर IIT बनाया है। इस मॉडल में 3 अहम मॉड्यूल हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। यान के संचालन में ज्यादा खर्च ना हो, इसके लिए भी IIT ने काम किया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सिर्फ 4 देश ही चंद्रमा पर अपने यान उतारने में सफल हो पाए हैं। दक्षिणी क्षेत्र में चंद्रयान 2 के उतरने से भारत इस क्षेत्र में अपना यान भेजने वाला पहला देश हो जाएगा।